मसूरी देहरादून मार्ग पर दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार एक के बाद एक कार दुर्घटनाएं होती जा रही हैं और कई लोग इन दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। ऐसा ही एक हादसा मसूरी देहरादून मार्ग पर हुआ है। बता दें, मैगी पॉइंट के निकट मसूरी घूमने आए नोएडा के पर्यटकों की कार मसूरी से देहरादून की ओर जा रही थी। सुबह करीब 5 बजे ऋषि आश्रम के पास शिवालिक मैगी पॉइंट मोड पर कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस, फायर सर्विसेज और SDRF की टीम ने गहरी खाई से लोगों को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 4 लोगों को दून अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोगों को सूचना मिली कि एक गाड़ी गिरी है, तो हम आनंद फान में यहाँ से भी आए, फिर मैंने देहरादून से भी फायर सर्विस को बुलाया और मसूरी के भी आए, स्थानीय सभी पहुँच गए थे। और ये गाड़ी बताते हैं वो गाजियाबाद के थे इसमें लोग, जो कि मसूरी घूमने आ रखे थे। और ये गाड़ी लगभग 150-160 मीटर नीचे खाई में गिरी। इसमें 6 आदमी सवार थे, जिसमें से कि 4 को पहले भेज दिया और 2 अब सभी ने रेस्क्यू सकुशल संपन्न कर दिया गया।